हे फूले की डाली, कख चलो पढ़ना अपने दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी हमें बन रहा है सुबह का नाश्ता। आज हमने रोटियां बनाई है, माँ के यानी कुक खेल रही है। क्या अनिकु यहाँ पे अपना बक्सा लेके बैठ रखी है और आज बनाई है निक्कू ने प्याज के पत्तों की सब्जी। ये देखो, उसमें थोड़ी सी बड़ी भी डाल रखी है। माँ के यहाँ पे बन रही है हमारी चाय और आज हमने रोटियां ही बनाई है, भात दिन में बनाएंगे हम। तो दोस्तों, अभी खाना पीना तो हमारा हो गया है और अभी करूँगी थोड़ी गैस की सफाई। निकू धो रही है बर्तन और अनिकू भी उसी के साथ खेल रही है। तो चलो करते हैं पहले गैस की सफाई। अनिकू, आज ज्यादा गंदा मेरा मगर ऐसा। बल गैस को कभी पानी से साफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो बल गैस खराब हो जाते हैं। मतलब ऐसे धोते ना अंदर से बाहर निकाल के, तो वैसे नहीं धोना चाहिए गैस को। गैस ही करनी चाहिए गीले कपड़े से। एक गैस बनाने वाला है तो उसने बताया मुझे भी, मुझे हम भी पहले ऐसे ही मतलब बाहर निकाल के खूब धो देते ऐसे पानी में। लेकिन उसने बोला पल गीले कपड़े से करो साफ, ऐसे नहीं करना चाहिए, तभी तो तुम्हारी गैस बल खराब होती है बार बार। तो तब से ऐसे ऐसे साफ करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी घर के सारे काम हो गए हैं और मैं अनिकू जा रहे हैं गोर खेलने के लिए। चलो, और अनिकू यहाँ पे अपने टुपला का प्रदर्शन कर रही है। और अनिकू बैठ रखी है, अपना टैबलेट चला रही है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे दिन के लिए मैंने दाल रखी है और ये हमारी गाय के लिए पीना थड़क चुका है। तो आज हम दिन में दाल भात बनाएंगे क्योंकि हमने सुबह नाश्ते में खाई है रोटियाँ। तो दोस्तों, चाहते हैं हमें करने के लिए है मम्मी अगर तक कर। चलो चले घोड़ा कना कर दी। अच्छा अच्छा, बांध रख कर दी। छो छो बोली, छो छो। चलो प्रणाम कर दे बस अपन जरा। प्रणाम। राम राम। राम राम। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। अब बाय कर दे चल। बाय। पा कर दो, पा कर दो। हाँ बस। दोस्तों, टाइम हो रहा है, खाना बनके तैयार है, दाल और भात। अभी यानी को और दादी को दे रही हूँ मैं। लेने को बेटे दे लो खाना। दादी लेम धनिया डालो सुखाना। तो दोस्तों, अभी मैं दादी को देख के आ गई हूँ और मैं अनिकू खा रहे हैं यहाँ पे खाना। और आज पता है क्या हुआ अनिकू की सबसे अच्छी बात, कि अनिकू आज पहले जैसे सो के उठती थी ना, तो आज अचानक रोने लग जाती थी या फिर मतलब आवाज़ देती थी कि मैं उठ गई। तो आज पता है क्या हुआ, अनिकू सो के उठी एकदम से और अपने बेड से नीचे उतर के सीधा बाहर आ गई। तो मैं किचन में खाना बना रही थी, मैंने कहा ये कौन आया, ये अचानक से कौन आया, रोई भी नहीं कुछ भी नहीं और सीधा बाहर आ गई उठ के, जैसे बड़े आदमी आते ना वैसे। तो अनिकू अब समझदार हो गई बहुत, है ना निको। तो आज हमने दिन में ही बनाया है भात। अब हमने अपना रूटीन चेंज कर लिया है क्योंकि आज सासू माँ ससुर जी रामनगर गए हैं फिर से। तो आज फिर हमारा रूटीन चेंज, आज हमने सुबह नाश्ते में रोटियां खाई और इस टाइम खा रहे हैं हम भात। तो अब ऐसे ही खाएंगे आज से शायद। तो दोस्तों, अभी खाना वाना तो खा लिया है और अनिको का पीछे देखो अनिको अपने दवाई की दुकान खोल रखी है। अनिको ने, है ना अनिको, सारी दवाई मैंने उस डब्बे में रखी रहती है, मैं हमारी हो या नहीं हो जिसकी भी हो तो उसी में रखी रहती है।
अनिकू इससे सारा फैला देती है। तो अभी मुझे रोड पे भी जाना है दोस्तों, अनिकू का आंगनबाड़ी का सामान मिलना है ना। पहले आंगनबाड़ी से मतलब हमें जो इन बच्चों का सामान मिलता था ना, वो मिलता था मतलब दलिया, चने वने, आटा, गुड़ ऐसे मिलता था। लेकिन इस बार से पता हो गया, चेंज हो गया। तो इस बार मिलेगा गेहूं और चावल, दो डेढ़ डेढ़ किलो, शायद 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो गेहूं मिलेंगे इनके लिए। तो अभी हमें रोड पर बुलाया गया है कि आ जाना, तो अभी तो शायद गाड़ी आई नहीं है, जब तक आएगी तब तक थोड़ा रुक के साथ खेल लेते हैं। अनिकू तो अब सोएगी ना, सोएगी नहीं हुई और ना मुझे सोने दी, क्योंकि उसने सुबह अपनी नींद पूरी कर ली है। 11 बजे से सो गई थी, 1 बजे तक। तो अब उसके साथ ऐसे लगे रहो, देखो अब इसका भी मुझे वो करना पड़ेगा, सोने का टाइम चेंज। 1 बजे से सुलाऊंगी ना खाना खाने के बाद। अब तो दिन में सोने का टाइम भी आ गया है, बाहर बहुत तेज धूप है, तो इसका भी अब सोने का टाइम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस टाइम अब हमें नहीं सोने देगी। देखो अब इसके साथ ऐसी, ये देखो सारी दुकान फैला दी उसने अपनी। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे 7 और मैं निकू यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी में है। निकू गूंथ रही है आटा और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दादी के लिए मटन बन रहा है आज, और मैं और अनिकू खाएंगे मैगी और निकू भी। तो हमने छोड़ दिया है अब नॉन वेज। निकू खाएगी थोड़ा सा, बतर भी तर भी पिएगी, पीस नहीं खाएगी। तो अनिकू और मैं खाएंगे मैगी और निकू और दादी खाएंगे चिकन भात। तो मैं बना रही हूँ मैं भी उनके लिए और निकू के लिए आटा। क्लास में अनिकू को बहुत हंसी यार, ये नहीं गड़ाए अनिकू, तो नहीं होने बेटा खड़ा तुम तो क्लास में हुआ। निकू दे 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 तू क्लास में, निकू को पता नहीं क्या मेरी ब्लॉगिंग देख के हंसी आ रही है। अनिकू बैठ जा, हम कर देता कर। तो यहाँ पे निकू को देखो दोस्तों, कितने उल्टे काम करती है ये। निकू बना रही है रोटियां और वहां पे बन गया है हमारा चिकन भात। टक लग गई तेरो सजी लो सिंगारे, तो दादी को दे दिया है खाना। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 8 और हमने खा लिया खाना और निकू भी चली गई है ऊपर। और अनिकू यहाँ पे कर रही है अपनी मस्तियाँ। अनिकू 4-5 पता नहीं क्या क्या बोल रही है और क्या कहते हैं, दादी अभी खाई रही है, दादी बोल रही है बल्कि लानी है। तो अब मैंने 8-9 सीटियाँ तो लगाई थी अपनी गला, तो हमने फिर चखा भी नहीं। तो दादी को ऊपर बड़बड़ा ठोर रखा है बल्कि लाया नहीं, वो नहीं करा। मैंने सोचा 9-10 सीटियों में गली जाएगा, और अब मैं खाती तो मैं चख के बताती कि हाँ भाई गले है कि नहीं गला। निकू भी नहीं खाती थी, निकू ने कहा मैं भी नहीं खा रही, तो इसलिए कल बनाएंगे उसे अच्छे से फिर चिकन को, मटन को। और माँ के अनुकू यहाँ पर भी खेल रही है, हेलो बोले। अनिकू नाराज हो गई, मैंने उसे डांट दिया ना, मस्ती करती है बहुत। बैर भितर रही, बैर भितर पैंट में खेलना खड़ बोलो तुम्हें खड़। अनिकू बहुत उल्टा काम करें। और तो अनिकू के दादा और दादी जी आ जाएंगे कल, कल मतलब कि शायद हाँ कल शाम तक ही पहुँचेंगे, 5-6 बजे तक। तो ठीक है दोस्तों, इस वाले ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपको कल किसी और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मेरे ब्लॉग देखना में व्यस्त रहे। अनिकू चलो बाय बोल दो।